करण मेहरा फिर हो सकते हैं गिरफ्तार। निशा रावल ने पुलिस में फिर कराया FIR। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, टीवी एक्टर करण मेहरा की मुसीबतें बढ़ने वाली है। उनकी पत्नी निशा रावल की शिकायत पर मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, मारपीट और 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और अगर करण के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। निशा रावल ने वैसे 31 मई को पुलिस में करण के खिलाफ FIR कराई थी, जिस पर जांच के बाद 25 जून को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबरों की माने तो निशा रावल की जिस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है उसमें करण मेहरा के साथ ही उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है। निशा रावल ने 31 मई को पुलिस में घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पति करण मेहरा पर मारपीट के आरोप लगाए। इस दौरान निशा के सिर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने तब करण मेहरा को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। फिलहाल अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर निशा रावल और करण मेहरा के इस विवाद में क्या नया मोड़ आता है। टीवी सीरियल से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।